हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं अनलॉक बाबा जी। दोस्तों, मैं यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं ओप्पो के फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉक नहीं खुलेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये पिन वाला पासवर्ड लगाते हैं, प्लीज़ इंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो एक डिजिट भी छूट जाए तो आदमी भूल जाता है कि क्या मेरा पासवर्ड था। फिर वो सर्विस सेंटर जाते हैं और उनका सारा डाटा लॉस हो जाता है। और मैं आपको बिना डाटा लॉस किए हुए, बिना कंप्यूटर के, घर बैठे अपने मोबाइल से ही लॉक तोड़ने के लिए बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, उस पर क्लिक करें। और यहाँ पे मैं आपको दो कोड देने वाला हूँ। पहला कोड यह है *#777777, सात को 7 टिकना है दोस्तों, और हैज इसको 3 बार कॉल कर देना है, 1 2 3। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके मोबाइल का जो डेवलपर ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा, जैसे कि लॉक खोलने में आसानी होगी। अब दूसरा वाला कोड है *#8899। दोस्तों ये इंजीनियर मोड वाला कोड है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर लास्ट में मैं हैज टिपूंगा तो आप इंजीनियर मोड में चले आइएगा। फिर देखिए, फिर देखिए दोस्तों, इंजीनियर मोड में मैं आ चुका हूँ। इंजीनियर मोड में दोस्तों जो सेटिंग आप जानते हैं उसी को छेड़िएगा, नहीं तो आपका मोबाइल हैंग कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ वही आप देखिए। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन देख लीजिए, आपका 7.1.1 एंड्रॉयड होना चाहिए। और कर्नल वर्जन दोस्तों देखिए 921 लास्ट में होना चाहिए, ये देखिए। और मेन वर्जन जो होता है आपका ये वाला, जो लास्ट में 122 होना चाहिए दोस्तों, अब तभी आपका ये वर्क करने वाला है। तो आप जो है बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले आएंगे दोस्तों। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, इस पर क्लिक करेंगे। ये पास होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए ये पास है, तो यानी कि आपका लॉक खुलने वाला है। अगर पास नहीं रहेगा तो लॉक नहीं खुलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे मेन वर्ड वर्जन देख लीजिए दोस्तों, 7V1.1 ही होना चाहिए। इस पर 7 बार क्लिक करना है, 7 बार से ज़्यादा बार हो जाना चाहिए दोस्तों, कम नहीं होना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों RPMB स्टेटस दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करूँगा और आपका लॉक खुल जाएगा दोस्तों। तो और दोस्तों आपका लॉक खुल चुका है दोस्तों, RPMB इनेबलिंग स्विच ऑफ, यानी कि आपका पुराना वाला पासवर्ड हट चुका है, चाहे वो पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, जो भी हो हट जाएगा दोस्तों। RPMB की जनरेट नो, यानी कि आप नया नया जो पासवर्ड ट्राई कर रहे थे, जैसे कि सिक्योरिटी लॉकड होने का डर रहा था, उसको सब डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि नो कर दिया गया। और ATT की चेक फेल्ड, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो यहाँ से मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, मतलब स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए। तो देखिए मैं स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ। तो और दोस्तों आपका लॉक खुल चुका है दोस्तों, 1 घंटे का टाइम मिला दोस्तों, अपना नया लॉक लगा लीजिए। मेरा कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ दोस्तों, ये देख लीजिए सारे के सारे मेरे मौजूद हैं। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चले कि कितने लोगों का लॉक खुला या नहीं खुला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।